हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज सुबह के बज चुके हैं 7:30। और गाइज, आज मेरे को जल्दी निकलना है क्योंकि आज मेरा जो लेक्चर है वो है 9:55 का, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। 8 बजे से पहले मुझे घर से निकलना पड़ेगा, तभी जाके मैं करेक्ट टाइम पे अपने कॉलेज पहुँच पाऊँगी, कि वहाँ भी आगे बहुत चलना पड़ता है फिर इस वजह से। कोई नहीं, अभी हम जल्दी से रेडी होते हैं। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर हम निकलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। और गाइस, पता नहीं आप आजकल क्या हो रहा है, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलो अभी निकलते हैं फटाफट से, ठीक है। ये देख लो, हम पहले पहुंच गए हैं और फिर भी आया नहीं अभी तक। मैं अकेली भटक रही थी इतनी देर से, क्या बताऊँ। मैं मन तो कर रहा था आप सबको स्कूल पहुँच गई थी अकेली, मैं अपनी क्लास दे दूँगा, वो इतनी अकेली पढ़ रही ना, मैं क्या करूँ, पर क्या ही कर सकती हूँ ना। चलो मैं अपनी दिखाती हूँ कि कितना अकेला है, ये सब कुछ देख देख रहे हो। सब खाली 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 कर रहा है, सब खाली है, क्या करूँगा। छोड़ा कोई नहीं, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी घर जाके या फिर थोड़ी देर, ठीक है। तो अभी हम भी टीचर बैठे, ठीक है। तो गाइस, फाइनली हम कॉलेज से घर आ गए, और आज का तो आपने देखा ही होगा, इतना हैप्टिक डे, और मेरी लड़ाई भी होते होते बच गई। मतलब यार, लोगों को ना क्या बोलूँ, छोड़ो, अभी मेरी लड़ाई होते होते बची है, पर मैं नहीं चाहती किसी से भी लड़ना। मुझे क्या लेना है यार किसी से, है ना। तो छोड़ो, ऐसे फालतू लोगों को इग्नोर करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। पर अभी ना मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो हम लंच कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इस टाइम तक आते आते लंच हो गया भाई। और ये टाइम पता है क्या बज रहा है, पता है क्या बज रहा है, क्या बज रहा है भाई, क्या बज रहा है, मैं हिमांशु से पूछ रही हूँ एक्चुअली, क्या बज रहा है भाई, 1:30 बज रहा है गाइस, 1:30। तो मैं लंच कर लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं लंच कर लेती हूँ, और आप लोगों को भी, आप लोग भी देखिए कि लंच कर लेते हैं, और आप लोग भी करिए मेरे साथ। तो चलो पहले लंच कर लेते हैं, फिर बताऊंगी कि क्या सीन था, ठीक है। फ्रेश व्रेश होके फिर बताऊंगी, ठीक है। और थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, नहा के एकदम चकाचक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, और ये खा रही हूँ मैं गाइस, आप भी खा लो आइसक्रीम, पिघली पड़ी है यार, पिस्ता फ्लेवर है, मजा थी अच्छी वाली। तो मम्मी ने खा ली, मम्मी खा रही है, कुछ नहीं खा रहा, मम्मी खा रही है, फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बेकार, 10 रुपये वेस्ट। कोई लंच में तो क्या ही बोलूं, यही खा लेती हूँ, दिखाऊंगी लंच क्या है। पहले से गाइस, लंच हो चुका है, एज यूजुअल आज का बहुत गंदा लंच था यार। छोलों के साथ कौन रोटी खाता है, छोलों के साथ कौन सी, चावल या भटूरे या पूड़ी, मतलब रोटी बना के रख दी यार। मम्मी को पता है कि मैं खाती नहीं रोटी, फिर भी बना के रख दी, इसलिए मैंने एक ही बाइट खाई थी बस, मैंने ना खाई रोटी वोटी। हाँ, नहीं तो अब चाय बनाएगी तो चाय पीऊँगी यार, गुस्सा आ रही है यार, पता नहीं चाय भी बनाएगी या नहीं बनाएगी, हमें तो कुछ मिला ही ना इस घर में। पर कोई बात नहीं गाइस, अभी पता मेरे को नींद आ रही है, तो मैं थोड़ा सा स्नैप ले लूँ, है तो थोड़ी सी देर सो लूँ, क्योंकि बाहर से आई हूँ ना अभी, तो इसलिए मेरे को नींद से आ रही है, थोड़ा सा छोटा सा स्नैप ले लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या लग रहा है, क्या
कौन आया गया सर? देव आया, देव देखते हैं। इतना मैं फ्रेशन अप हो लूँ, उसको हम देखते हैं। ठीक है गाइस, फ्रेशन अप हो गई हूँ मैं, पर नींद का जो वो है ना आलगस, सो जा नहीं रहा यार, नींद ही नींद भर रही है पूरी। चलो ये देव देख लो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, देखना जरा क्या हरकत कर रहे हैं, देखो ये कर रहे डेली बात है। गाइस के हाथ में फ्रैक्चर आ गया, देख लो भाई छोरा परेशान हो गया हमारा, इसके हाथ में फ्रैक्चर आ रहा है। नहीं आ रहे दो का टेबल, फोर फोर ये इसका ब्रश चल रहा है। देवो पापा ने कैसे पिटाई कर ली? ओ दोबारा दिखाओ, दोबारा कैसे पिटाई करी? ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और ऐसे ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।